वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ डाबर वाटिका नेचुरल आयुर्वेदिक शैम्पू के बारे में। ये शैम्पू कैसा होता है। वाटिका बहुत पुरानी कंपनी है और इसका शैम्पू आई होप ज़्यादातर लोगों ने यूज़ किया होगा वाटिका शैम्पू, क्योंकि ये बहुत पुराना है। ये पहले ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते थे और ये बहुत अच्छा होता है। ये आयुर्वेदिक शैम्पू है और इसमें इसकी सारी इंग्रेडिएंट भी आप देख सकते हैं यहाँ दी गई है। ये 10 पोशन फुल स्ट्रांग हेल्दी हेयर, ये हेल्दी हेयर के लिए ये बहुत अच्छा शैम्पू है। और ये है ये 640 ml इसकी आपको इसकी क्वांटिटी है। बाकी ये 525 rupees इसकी प्राइस दी गई है यहाँ, बट ये मुझे डिस्काउंट पे 240 rupees का ये मुझे मिला है। मैंने ये ऑनलाइन परचेस किया है अमेज़ॉन से। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप परचेस करना चाहें तो आप जाके परचेस कर सकते हैं। और ये महंगा भी बिल्कुल नहीं है। ये आयुर्वेदिक वाटिका शैम्पू तो बहुत पहले से हर कोई जानते, वाटिका शैम्पू ज़्यादातर लोगों ने यूज़ किया हुआ है। पहले ज़्यादातर लोग वाटिका ही यूज़ करते थे और केमिकल के इतने शैम्पू नहीं आते थे। और ये बहुत अच्छा शैम्पू है। ये मैंने पहले यूज़ किया था वाटिका, मैं अपने बचपन में भी यूज़ कर चुकी हूँ वाटिका। बहुत अच्छा शैम्पू होता था पहले और अब ये सब नया नया बदल के भी आ रहे हैं। बाकी ये आयुर्वेदिक शैम्पू है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यस्थि मधु, भृंगराज, एलोवेरा, हेना, मेथी और आंवला, रीठा, आलमंड, रोजमेरी और जवाकुसुम, ये सब इसमें इंग्रेडिएंट, इसकी मेन इंग्रेडिएंट है। ये आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और ये आपके स्कैल्प पे बहुत अच्छा काम करता है। ये आपके स्कैल्प को बिल्कुल साफ करता है और आपके जो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो ये उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। और ये इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल में ये आता है और ये ऊपर से ये पंप दिया गया है, इसको दबा के निकाल कंटेंसिटी इसकी निकालनी होती है। और ये बहुत अच्छा शैम्पू है और बाकी यहाँ इसकी सारी डिटेल्स मेंशन की गई है। सकते हैं आप इसकी सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन की गई है। ये भृंगराज क्या काम करता है, भृंगराज आपके हेयर को कंट्रोल करता है, हेयर फॉल को, आपके हेयर फॉल होने को भृंगराज कंट्रोल करता है। और बाकी जो यस्थि मधु होता है वो आपके हेयर को मजबूत बनाता है, और हेना जो होता है वो आपके जो आपके हेयर के कलर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, रीठा जो होता है वो क्लीजिंग का काम करता है। रीठा वैसे भी हमारे हेयर पे बहुत अच्छा काम करता है, रीठा क्लीजिंग का काम करता है वो। और जवा कुसुम जो होता है वो आपके स्कैल्प पे जो बहुत अच्छा काम करता है, वो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। और रोजमेरी आप जानते हैं, रोजमेरी की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसके बहुत सारे हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। रोजमेरी क्या आपको कंडीशनर का काम करता है आपके हेयर पे। और आंवला जो होता है, आंवला भी हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा, आंवला के और रीठा सीकाकाई ये सब के बारे में आप सब जानते होंगे कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ये हमारे हेयर को नरिशिंग करता है, और आलमंड जो होता है वो हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। मेथी हमारे हेयर को डैंड्रफ होने से बचाता है, और मेथी के हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। वो हमारे स्कैल्प पे बहुत अच्छा काम करता है, वो हमारे हेयर को जो है सिल्की शाइनी बनाता है और हमारे हेयर फॉल को भी रोकता है और हमारे स्कैल्प पे बहुत अच्छा काम करता है। मेथी हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मेथी के आप हेयर मास्क भी बना के लगा सकते हैं मेथी हमारे हेयर के लिए, और हेयर ग्रोथ में भी मेथी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है मेथी के ये। और एलोवेरा भी आप जानते हैं, एलोवेरा जो है हमारे हेयर को स्मूथ बनाता है, शाइनिंग देता है हमारे हेयर को और सिल्की बनाता है। और ये बहुत अच्छा शैम्पू है और इसमें सारी इसकी इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आप लोगों से मेंशन कर चुकी हूँ। और इसकी अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसे, बट आप इसे एक बार यूज़ करें। ये बहुत अच्छा शैम्पू है,
ये आपके स्कैल्प पे बहुत अच्छा काम करता है, ये आपको डैंड्रफ होने से बचाता है, ये आपके डैंड्रफ होने से रोकता है, आपके अगर आपको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, आपके हेयर की ग्रोथ जो रुक गई है ये उसको भी बढ़ने में हेल्प करता है, ये बहुत अच्छा है। और ये आपके स्किन को, आपके जो स्कैल्प को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देता है, ये आपके हेयर को हेल्दी बनाता है, आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है, जिससे आपके हेयर ग्रोथ होने में अच्छे से ग्रोथ होते हैं, आपके हेयर को ग्रोथ होने में अच्छी हेल्प मिलती है और आपके हेयर जो वाइट हो रहे हैं उनको भी, आपकी हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम ये दूर करता है। ये आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी केमिकल इसमें ऐड नहीं किया गया है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ कैसे करना है, इसे डायरेक्ट अपने कोई भी शैम्पू हो उसे डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करते हैं, उसे पहले हमें थोड़ा पानी लेना होता है, फिर उसमें थोड़ा सा अमाउंट इसका हमें मिला लेना होता है, उसके बाद हमें इसको पानी के साथ मिक्स करके ही अपने हेयर पे डालना होता है, फिर स्कैल्प पे फिंगर से अपने हल्के हाथों से उसको फिंगर से सर्कुलर मोशन में मसाज करना होता है, मसाज करते हैं 1 से 2 मिनट तक उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं, मसाज करने के बाद आपको वॉश कर लेना होता है और इसके बाद फिर आप हेयर को ड्राई कर सकते हैं, अपने हेयर ड्राई हो जाए तो फिर आप या सीरम या फिर कोई भी अच्छा ऑयल आप अपने जो आपको पसंद हो वो ऑयल आप यूज़ कर सकती हैं। और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है, इसे यूज़ करने में भी, और इसे यूज़ करने के बाद जो है आपके बाल बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं और एक बार में ही ये आपके हेयर को, इसको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना होता है, इसको फिर दोबारा से आपको जैसे एक बार शैम्पू आपने लगा लिया फिर हेयर वॉश कर लिया फिर आपके हेयर फिर भी चिपचिप, कितने शैम्पू ऐसे होते हैं फिर भी हेयर बिल्कुल साफ़ नहीं हो पाता है, आप ऑयल लगाए होते हैं वो ऑयल कायदे से आपके ऑयल को कायदे से क्लीन नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं है ये, और ये जो है ये एक बार में ही आपके ऑयल को, आपके जितने भी डस्ट होते हैं हेयर में सब आप क्लीन कर देता है, इसको सिर्फ एक ही बार में, एक ही बार के यूज़ से आपको बहुत अच्छा, आपको स्कैल्प अच्छे से साफ हो जाता है हेयर, आपको इसको दोबारा यूज़ नहीं करना पड़ता है। और इसे आप जो है अपने बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब बच्चों पे यूज़ नहीं कर सकते, ये अगर आपके बच्चे भी, ये आयुर्वेदिक शैम्पू है, ये नुकसान नहीं करता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं दिया गया, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, इसे कोई भी मतलब इसे ऑल हेयर टाइप्स ये शैम्पू है, इसे आपकी आपके ऑयली हेयर है या आपके ड्राई हेयर है या आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी हेयर की प्रॉब्लम है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये आयुर्वेदिक है, ये नुकसान भी नहीं करता है इसके, बट ये मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट समझ में आए इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब इसके बाकी आप यूज़ करिए, आपको भी इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आयुर्वेदिक है, इसमें केमिकल है नहीं, को कुछ नुकसान की मुझे नहीं लगता कि ये इसमें नुकसान आपको करेगा इतना। और वाटिका बहुत पुरानी कंपनी है और आयुर्वेदिक जो हर्बल जो डाबर का जो प्रोडक्ट होता है ये सब तो आयुर्वेदिक होता है, ये सब बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई भी और ये कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी हेयर टाइप्स के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसे, और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है और इसको यूज़ करने के बाद आपके हेयर फॉल में भी कंट्रोल होगा, आपके हेयर ग्रोथ में भी आपको हेल्प मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा, और स्कैल्प पे अगर आपको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको यूज़ करने से आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर होगी। ये बहुत अच्छा शैम्पू है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी आजकल के ज़माने में हर चीज़ केमिकल की है तो आजकल हम लोग ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो आयुर्वेदिक हो, जो हमारी स्किन के लिए, जिसमें केमिकल ऐड ना हो, जिसमें जो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए जिसके अच्छे रिजल्ट, जिसके बेनिफिट हों, जो और केमिकल का क्या है, केमिकल की कोई भी प्रोडक्ट केमिकल का वक्त ही आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छा
आपको देता है रिजल्ट, बट वो धीरे धीरे आपके हेयर को डैमेज कर देता है, वो आपके जो प्रॉब्लम होती है उसको बढ़ा देता है। वक्त ही आपको बहुत अच्छे सिल्की शाइनी हेयर दे देता है, बट ये धीरे धीरे आपके हेयर को डैमेज करने लगता है। तो इसलिए हम आजकल हम भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो ये बहुत अच्छा आयुर्वेदिक शैम्पू है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ओके, आज की वीडियो अगर आप लोगों को मेरी हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।